बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीना शेखर ऑफिशियल। आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो आप लोग विश कीजिए उसको, मुझे भी अच्छा लगेगा। और हम और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए, तो ब्लॉग में बने रहिए और मेरी बेटी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तो गाइस लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस देखिए हम लोग घर से निकल चुके हैं, चले हम लोग बाबा मंदिर पूजा करने के लिए। उससे पहले हमको एक काम करना है। क्या काम करना है कि कुछ वहाँ जितने सब मांगने वाले सब होते हैं उनके लिए हम नाश्ता का पैकेटिंग कराना है मुझे। तो नाश्ता का पैकेटिंग करवाने का सोच रहे हैं, जिसको कि मेरी बेटी आज जिसकी जिसका बर्थडे है, पीहू रानी रिशाना दीदी का बर्थडे है, उसी के हाथ से हम लोग लगभग सोचे 21 पैकेट बनाना है। और 21 ठो भिकमंगे सबको जो मंदिर के बाहर जो मांगते हैं उनको खिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे। पहले हम लोग जा कर के पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद बाहर निकलेंगे और पैकेटिंग सब कोई को देंगे। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं कहां तक क्या कर सकते हैं। आप लोग से भी अनुरोध है, आप मेरे जितने भी प्यारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब कोई मेरी बेटी को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि वो फले फूले और जो अपने लाइफ में सोची है वो आगे चलकर वो उसको मुकाम हासिल हो। आप लोग सब कोई अपना आशीर्वाद दीजिए उन्हें। देखिए एक बाहर दुकान है, वहाँ पे आए हुए हैं। गाइस देखिए हम लोग मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, तो उधर बहुत ज़्यादा जाम होता है, जो कि 4-व्हीलर लेकर के आए हैं तो उधर एंट्री नहीं देगा, इसीलिए यहाँ लंबी लंबी गाड़ी का कतार लगा हुआ है, तो हम लोग को भी यहीं गाड़ी पार्क करना होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं और यहाँ से टोटो लेकर के मंदिर जाएंगे। धूप में कुछ अच्छा से दिखाई भी नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है। चिल्ड्रेन पार्क के सीधे रास्ते में देखिए शिवराम झा चौक है, जो कोई देवघर नहीं आए होंगे, पहली बार बाबा धाम का ये ब्लॉग आप लोग अगर देखते होंगे तो चिल्ड्रेन पार्क के जस्ट बगल में ये शिवराम झा चौक है और इसी के आपको राइट साइड मोड़ जाना है। और ये देखिए बगल में ही मंदिर है। लोग आज दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। इधर देखिए कितना जाम है, ये सीधे रास्ते में आते आते ये मानसिंही है, मानसिंही तालाब इसको बोला जाता है। यहाँ भी आते हैं लोग पूजा पाठ करके अंदर जाते हैं। इसी के बगल में शिव गंगा है, वहाँ लोग स्नान करके इसके बाद मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। अभी तो सावन में और ज़्यादा यहाँ भीड़ लगने वाला है। ये फूल ले रहे हैं और यहाँ जल लिया जाता है।
इसको मंदिर नहीं ले गए थे क्योंकि इसका मुंडन है। हम लोगों के यहाँ ऐसी प्रथा है कि जितना भी घर में बाबू लोग नया नया सब कोई जन्म लेता है तो हर कोई का मुंडन कराया मैं जाता है। जन्म दियो। हाँ इसी दिन को तुम जन्म दी थी। इस दिन को तो नहीं हूँ कि मैं क्या आज जन्म दी हूँ जो तुम बोल रही हो न्यू बच्चा। नहीं न्यू बच्चा नहीं, ऐसा फीलिंग आ जाता है कि आज के दिन में कि छोटी सी गुड़िया आज मेरी गोद में देखी इतनी बड़ी हो गई। तो थैंक गॉड, मैं भगवान को थैंक यू करने गई थी कि मुझे इतनी क्यूट सी बेटी दिए हैं गॉड। तो हम दोनों बहुत ईश्वर के आभारी हैं कि हम लोगों को पहला बच्चा बेटी के रूप में भगवान दिया। तो मेरी लक्ष्मी है ये, और थैंक यू अगेन 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 गॉड को, जितना भी थैंक यू कहें कमी है। तो गाइस बता रहे थे कि मुंडन होता है, तो इसीलिए जब तक मुंडन नहीं हो जाती है तब तक मंदिर के अंदर नहीं ले जाते हैं, तो इसीलिए बाहर में ही हम लोग भिखारी लोग दान दक्षिणा दिए। इसके बाद आगे का प्लान ये है कि एक घर का नया प्लॉट हम लोगों का बाउंड्री वॉल किया हुआ है, तो वो खाली सा प्लॉट है, तो इसके हाथ से ही हम लोग वहाँ सबसे पहले एक पेड़ लगाना चाहते हैं। तो वहाँ हम लोग देखते हैं कब तक जा पाएंगे, तो वहाँ एक पेड़ भी लगाएंगे हम लोग। तो अब चलते हैं घर। गाइस देखिए हम लोग घर आ चुके हैं, और इतना ज़्यादा पसीना था, बाहर में चल रहा था, इतना गर्मी था, मत पूछिए। ये आई और देखिए मज़ा पी रही है, हमको भी तो थोड़ा शेयर करो। देख रहे हैं इसका बदमाशी, बहुत बदमाशी है। तो गाइस मिलते हैं शाम के पार्टी में। हम लोग रेडी हो चुके हैं और शाम में पार्टी है, तो अब हम लोग घर से निकल रहे हैं। तो यहाँ से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा।